मैं आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां बीजेपी कार्यालय की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के नेता उस समय के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हेलो, अरे इन दोनों दलों ने कार्रवाई तो नहीं की, आपस में गठबंधन कर लिया नहीं और एक दूसरे के पाप को भ्रष्टाचार को छिपा कर बैठ गए। यादव सिंह का घोटाला एकमात्र दावा है, सपा और बसपा दोनों साझेदार है। भारत माता की गांधी प्रजापति के खनन जैसे अपराध में भी दोनों दल जिम्मेदार है और लोकायुक्त की सिफारिशें जो बसपा के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की थी वह भी मुख्यमंत्री के सचिवालय में अभी तक पेंडिंग है। इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन है। लोकायुक्त की नियुक्ति के प्रकरण पर यह गठबंधन उजागर हुआ है। यादव सिंह के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश सरकार आज तक जवाब नहीं दे रही कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गई थी। सुप्रीम कोर्ट जाने का सुबह भ्रष्टाचार से अपने को बचाने के लिए गई थी। कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, बड़ी विलंबता पूर्ण वनवास को खत्म करने का आग्रह कर रहा हूं। यह अवसर है आपके सामने, इस कमल के फूल को भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जैसा सुनहरा दृश्य बनाने का प्रयास करें, कृपा करें और जनता जो सपा और बसपा की गुंडागर्दी भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जिस जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं, श्री केशव प्रसाद जी मौर्य के नेतृत्व में मैं भी काम करूंगा और आप सब मिलकर काम करके जनता को अन्याय से मुक्ति दिलाने का काम करूंगा। केशव जी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं पार्टी के सिपाही के रूप में अपने नए अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सिपाही के रूप में 24 घंटे जहां कहेंगे वहां जाकर अपना छाती छाती और सीना लाने को तैयार हूं। एक बार आदेश मिलेगा रात के 2 बजे किसी कोने में जाना होगा और कितनी बड़ी ताकत सामने खड़े हुए उससे टकरा कर भाजपा का झंडा उसकी छाती पर गाड़ के आने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। किसी का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र गिर गया था, ओम प्रकाश जी का, बहन कमलावती जी के पास से ले लेंगे। बंधुओं, जैसा कि उत्तर प्रदेश की विडंबना है, पानी नहीं, बत्ती नहीं, कोई बुनियादी जरूरत, कुछ समय के लिए अभी लाइट चली गई। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की साजिश से कैसे निपटा जाए, लाइट चली गई थी। कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने अपने आप माल्यार्पण शुरू करके उस समय का सदुपयोग किया, उनको साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन हमारे मंच पर एक माल्यार्पण की व्यवस्था बनी थी, मैं सभी का नाम ले रही हूँ, जिनका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हो गया है उनका भी बाद में होगा। अभी कुछ कार्यवर्त आदरणीय अध्यक्ष जी को थोड़ी देर के लिए अंदर जाएंगे अपना भाषण करने के बाद, फिर पुनः इस मंच पर आएंगे और एक एक व्यक्ति का माला अर्पण करेंगे जिनका नाम यहाँ से बोला जाएगा। अगर थोड़ी बस किसी का छूट जाए तो उनका भी नाम, मैं एक बार नाम पढ़ रही हूँ जो मेरे पास है, उसके बाद आदरणीय मौर्य जी का भाषण होगा। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, श्री हरिद्वार दुबे जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कृष्णा पासवान जी, आशुतोष टंडन गोपाल जी, आदरणीय अशोक कटारिया जी, सरिता भदौरिया जी, करण सिंह पटेल जी, श्री राम चौहान जी, आनंद रतन मौर्य जी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, ओम श्री प्रकाश शर्मा जी, विनोद सोनकर जी, महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय श्री अमित सिंह पंकज जी, आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह विधायक जी, आदरणीय श्री रमापति शास्त्री जी, समय मिला तो सबके अंग में मैं भी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री हसमनी त्यागी जी, आदरणीय श्री दया शंकर सिंह जी, आदरणीय श्री अनूप गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर समीर सिंह जी, आदरणीय कांता कर्दम जी, आदरणीय वीरेन तिवारी जी, आदरणीय जसवंत सैनी जी, आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, बेबी रानी मौर्य जी, नीलिमा कटियार जी, आदरणीय बहन मधु मिश्रा जी, गीता सात्या जी,
आशा रानी कबीर जी, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, और इसी बीच बजरंगी के बिना तो कोई मंच पूरा नहीं होता। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जी भी है, कटिहार जी भी आगे, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, आदरणीय रामरतन कुशवाहा जी, बालचंद्र मिश्रा जी, आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, आदरणीय उपेन्द्र शुक्ला जी, श्री लक्ष्मण आचार्य जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय कुसुम राय जी, निवर्तमान सांसद राज्यसभा के आदरणीय श्री रामनारायण साहू जी, आदरणीय श्री जुगल किशोर जी, हमारे सांसद आदरणीय कुंवर भारतेंदु सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, आदरणीय श्री राजेश दिवाकर जी, आदरणीय श्री अजय मिश्रा टहनी जी, आदरणीय अंशुल वर्मा जी, आदरणीय अंजू बाला जी, आदरणीय श्री दत्तन मिश्रा जी, आदरणीय श्री विनोद सोनकर जी, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, आदरणीय श्री शरद त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री रविन्द्र कुशवाहा जी, आदरणीय बहन रंजन ज्योति जी, आदरणीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी, आदरणीय श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी, आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, हमारे जो भी विधायक यहाँ उपस्थित है, आदरणीय श्री रघुनंदन भदौरिया जी, अन्य विधायक जो हमारे यहाँ पर जो भी उपस्थित है, वो सब भी माल्यार्पण करेंगे। हमारे मीडिया के बंधु आदरणीय श्री विजय भारत पाठक जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, श्री हरिश्चंद श्रीवास्तव जी, मनीष दीक्षित जी, मनीष शुक्ला जी, अनिता अग्रवाल जी, चंद्रमोहन जी, आईपी सिंह जी, सूर्या फाउंडेशन से भरत राज जी, श्रीयत सक्सेना जी, राधाकृष्ण मिश्रा जी, रिया जादव जी, इंजीनियर ए पी मिश्रा जी, श्री हरिशंकर जैन जी, और एक भूल गई हूं मैं नाम, जो कार्यालय की पूरी व्यवस्था बनाने का काम करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री भरत दीक्षित जी, आदरणीय श्री लक्ष्मण जी, आदरणीय पी के मिश्रा जी, आदरणीय शेषनारायण मिश्रा जी, साकिन वर्मा जी, पीयूष जी, राजीव जी, संदीप पांडे जी, अमर किशोर कश्यप जी, सुनीलावत जी, अमित मिश्र जी, अवधेश श्रीवास्तव, अभय तिवारी जी, आदरणीय रतन सिंह, सुभाष मौर्य, पवन केशी, राजेश मौर्य, रोहित मौर्य, अनुपम मौर्य, प्रवीण मौर्य, अंकित मौर्य जी, आदरणीय सरदार सिंह जी, आदरणीय शुक्ला जी, बहन हमारी आज महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री जो महिला उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष रही है, बहन कमलावती सिंह जी, गोविंद नारायण शुक्ला जी, दया शंकर जी, महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, आदरणीय वीरेंद्र यादव जिले के अध्यक्ष पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी भैया शांत रहिए, आवाज सुनने दीजिए। परम श्रद्धे माने हो यार, उसको बुला लो, कहाँ है, क्या नाम है मीडिया प्रभारी? तो ठीक लग रहा है ना? मैं सबसे पहले यहाँ पर मान ले रहे हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जिनके बूते पर आज विश्व का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व मुझे प्राप्त हुआ है, हम सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं सबके पास आके चरण नहीं छू सकता, मैं सबके चरण छू करके सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष, हाँ सर ये बोल रहे हैं, मेरे मार्गदर्शक, वीडियो ठीक मिल रहा है, रिकॉर्ड कर लीजिए पूरा। मैं ठीक सर जैसे कोई शब्द नहीं है मेरे पास, चाहे माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हों, बजरंग दल के संस्थापक संयोजक, अभी याद है मुझे बहुत उत्साह मिला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय सदस्य माननीय विनय कटियार जी, मंच पर विराजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री परम श्रद्धेय माननीय शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मुझे सामने माननीय अशोक दोहरे जी दिखाई दे रहे हैं, माननीय सांसद जी, बनते चाहूंगा कि बच्चे आदर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दिनेश शर्मा जी, हमारे माननीय
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन हमको सदा मिलता रहता है, ऐसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमापति राम त्रिपाठी जी, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहा हूं और जिनका विधानसभा के अंदर बहुत सारा मुझे मार्गदर्शन मिला है, ऐसे वर्तमान के विधानमंडल दल के नेता माननीय सुरेश खन्ना जी, विधान परिषद में दल के नेता और वरिष्ठ, मैं उनको बहुत वरिष्ठ नेता, आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय संतोष गंगवार जी, मेरी बड़ी बहन, साथ में हम लोगों ने काम किया है केंद्रीय मंत्री पूजनीय हमारी बहन निरंजन ज्योति जी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बड़े भाई आदरणीय रामशंकर कथेरिया जी, हमारे मंच पर विराजमान यहां पर महामंत्री के रूप में जिनका कुशल मार्गदर्शन हम सबको मिला है, विधायक माननीय धर्मपाल सिंह जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, युवा नेता माननीय पंकज सिंह जी, संचालन मंच का कर रही बहन अनुपमा जायसवाल जी, आदरणीय रमापति शास्त्री जी, हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष चूंकि लखनऊ का कार्यालय इसी क्षेत्र में आता है, ऐसे हमारे विधायक और इस क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय मुकुट बिहारी जी, मंच पर मेरे सभी बड़े वरिष्ठ तमाम यहां पर हमारे सांसद, हमारे माननीय विधायक गण, वरिष्ठ नेतागण, यहां मैं किनके किनके अभी बहन जी ने जो भी नाम गिनाए हैं, मैं ऐसे सभी अपने वरिष्ठतम नेताओं को तीसरे बारंबार नमन करता हूं, क्योंकि मैं आयु में भी छोटा हूं, अनुभव में भी कम हूं और यह जो नेतृत्व मंच पर विराजमान है जिनके ऊपर अनेक प्रकार के किसी के ऊपर राष्ट्रीय दायित्व है, कोई किसी महत्वपूर्ण कमेटियों के माननीय सदस्य हैं और उन्हें समाज के अंदर राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण योगदान किया, ऐसे मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को नमन करते हुए आज यही निवेदन करता हूं कि मुझे आप सबके मार्गदर्शन में काम करना, आप अनुभव के भंडार, आप सभी के सहयोग से आप सबके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 73 लोकसभा की सीटें जीत करके और उत्तर प्रदेश को नंबर एक का प्रदेश बनाने के लिए विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश से कहीं भी लड़ सकते थे, दो सीटों से लड़ा लेकिन उन्होंने जिसे अपनी कर्मभूमि बनाया वह उत्तर प्रदेश है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान के भारत सरकार के गृह मंत्री जिनका यह संसदीय क्षेत्र है, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं और बड़ी एक नेतृत्व की मेरी श्रृंखला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वयं आश्चर्यचकित था, मुझे मालूम नहीं था कि मुझको इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के नाते उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंप दी जाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। अभी मुझे कुछ घंटे हुआ है घोषित हुए, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या में मुझे लोगों का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का प्यार जितना मिला है मेरे पास शब्द नहीं है,
मैं आपके इस प्यार को अगर किसी शब्द से तोड़ने का काम करूंगा, किसी शब्द से उसे सींचने का काम करूंगा तो वह छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं आप पूरे नेतृत्व वर्ग के सामने इन सबके आशीर्वाद से यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी के यहां नेतृत्व वर्ग और बड़े वरिष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता सामने भी यहां पर है। और मैं मेरे सभी वरिष्ठतम माने हरनारायण राजभर जी सांसद जी हैं, आइए आप आए मंच पे आए, मैं सभी कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाता हूं कि कार्यकर्ता के सम्मान के लिए केशव प्रसाद के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, बहुत नहीं जानते, कथनी और करनी में केशव प्रसाद के अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी से पूर्व जिसका पूरी तरह से अपराधीकरण करना एकमात्र लक्ष्य है, इस सरकार को आज भारतीय जनता पार्टी के इस उत्तर प्रदेश के मंदिर से मैं चुनौती देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को छेड़ने का काम मत करिएगा। जिस दिन से मुझे अध्यक्ष के नाते पार्टी ने मनोनीत किया है उस दिन से बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, केशव प्रसाद के ऊपर कोई अपराध के मुकदमे नहीं है। कभी भी अगर किसी ने मेरे कार्यकर्ता को छेड़ा है तो मैं चुप बैठने का ना काम किया हूं और ना भविष्य में करूंगा। या मैं बहुत भाषण करूं इसकी मुझे आवश्यकता बहुत तो नहीं लगती, लेकिन एक अपील यहां पर, एक निवेदन आप सब कार्यकर्ता मित्रों से, कार्यकर्ता साथियों से यह करना कहना चाहता हूं, यह हमारा जितना मजबूत नेतृत्व वर्ग है, मुझे अभी मैं आ रहा था ट्रेन से, मुझे एक पत्रकार मित्र पूछे, केशव प्रसाद जी आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी सीटें जीतने की उम्मीद रखते हैं और कम से कम कितनी और अधिक से अधिक कितना जीतने की स्थिति में। मैंने उन मित्र को बताया कि मैं कम से कम 265 सीटें जीतने की उम्मीद रखता हूं और अधिक से अधिक 403 विधानसभा अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के हनुमान जी, आपकी ताकत का कोई जवाब नहीं है। जब आप अपने संगठन की ताकत के बल पर चुनावी महाभारत में उतरते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर 73 की संख्या में सीटों में कमल खिला देने का काम करते हैं। मैं आप सबसे ही प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें 2017 में 2014 दोहराने का काम करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 265 सीटें आनी चाहिए, 265 प्लस सीटें आनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और जो व्यक्तिवाद की राजनीति करते हैं, उनको यह पता चल गया है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। और मैं पूरे विश्वास से यहां पर कह सकता हूं कि मेरे, और इसके लिए मैं बहुत अपने को गौरवशाली महसूस करता हूं कि मेरे पूरे नेतृत्व वर्ग का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, बहुत स्नेह प्राप्त है, बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे कुछ मीडिया के साथी कह रहे थे कि आपके यहां समाजवादी पार्टी के पास तो मुलायम सिंह जी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास मायावती जी हैं,
आपके यहाँ कौन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बागडोर संभालेगा? मैंने कहा मेरी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और मेरी लोकतांत्रिक पार्टी में यह जो मंच बैठा हुआ है ना, एक एक हमारे माननीय नेता दस दस मुलायम सिंह और दस दस मायावती पर भारी बैठे मजाल है क्या कोई मायावती जी के खिलाफ बोल दे, दिन में बोल दे और रात में वो पार्टी में बना रह जाए, ऐसा संभव है क्या? समाजवादी पार्टी के अंदर क्या भी कभी भी कल्पना की जा सकती है क्या कि एक परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता कितना भी श्रेष्ठतम कार्यकर्ता हो कभी वह भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता है क्या? मैं आप सबसे ही अपील करना चाहूंगा, कांग्रेस से मुक्त भारत और सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश, इस संकल्प को लेकर के जाइए और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ और यह मैं आपकी उपस्थिति यहां जो कार्यकर्ताओं का यहां पर हुजूम है उसको देख करके यहां मैं भरोसे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, केवल मतदान करना बाकी है। मतदान होने दीजिए, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार बनेगी और उस सरकार के माध्यम से हम इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, अपराध चरम सीमा पर है, बुंदेलखंड सूखे से बेहाल है। मेरे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में नहीं नेपाल के अंदर भी भूकंप हो जाता, भूकंप आता है तो सबसे पहले अगर कोई चिंता करने का काम करता है तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कल केरल के अंदर एक दुर्घटना हो गई, कभी आपने देखा है क्या कोई प्रधानमंत्री दुर्घटना होने के इतनी जल्दी और वहां पर पीड़ितों के बीच पहुंच जाए? बुंदेलखंड के अंदर सूखा पड़ा है, समस्या से ग्रस्त है। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं दे सकता लेकिन शायद 1,550 करोड़ का पैकेज जो है भारत सरकार के द्वारा वहां के लिए घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी विकास चाहती और विकास के नाम पर हमारी सरकार बनी है और हम उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आज यह बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई पूछता है कि चुनाव का मुद्दा क्या है तो आज मैं चुनाव का मुद्दा आपको देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मुद्दा अगर पहली बार पूछेंगे तो विकास है, दूसरी बार पूछेंगे तो विकास है, तीसरी बार पूछेंगे तो विकास है, 1,000 बार पूछेंगे तो विकास है। हम विकास का मुद्दा लेते हैं, हम गरीबी से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, हम बीमारी से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, हम बेरोजगारी से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। मेरा नौजवान उत्तर प्रदेश का त्रस्त है, क्या यूपी का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग सहित जितने विभाग में भर्तियां चल रही हैं उन विभागों की भर्तियों के भ्रष्टाचार से परिचित है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता के नौजवानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर आप विफल जो सरकार है, इस सरकार के विरुद्ध हमें सड़कों पर आने की आवश्यकता, सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने नेतृत्व के सामने उनका आशीर्वाद चाहता हूं, मार्गदर्शन चाहता हूं। मेरे कार्यकर्ता मित्रों,
मैं आज इस मंच से ही निवेदन करूंगा, जहां कहीं पर भी भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही, आप में से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को वहां योजना मालूम भी है, आप स्थान स्थान उस योजना को लेकर के जा रहे हैं। हमारे संगठन के प्रदेश के महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी यहां पर बैठे हैं, उनका पत्रक आप सबके पास पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो पहुंच रहा उतर रहा होगा। भारत सरकार की क्या योजना है, गरीबों की भलाई के लिए समर्पित भारत की सरकार उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाकर के जो वास्तव में पीड़ित है, जो वास्तव में शोषित है, जो वास्तव में पिछड़ गया है, जो वास्तव में अभावग्रस्त है, उसकी सेवा में समर्पित होने का काम करना चाहता है। हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनके बारे में आप जानते हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया। मैं निष्कर्ष रूप में आप सब कार्यकर्ता जानते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति गड्ढे के अंदर गिर गया है और अपने आप ऊपर आने के स्थिति में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या करना है, कोई गड्ढे में है और अगर आप ऊपर खड़े हैं तो जो गड्ढे में है, जो पिछड़ गया है, उससे मैं अपील करता हूं, थोड़ा हाथ अपना ऊपर करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आप नीचे से हाथ ऊपर करिए, मेरा कार्यकर्ता आपके नीचे हाथ लगा करके उठा करके बराबरी पर ला करके खड़ा करने का काम करेगा। आज जिस प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन योजना चली, 20 करोड़ से अधिक गरीबों के खाते खुले, जिस प्रकार से गरीबों को एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की घोषणा की गई, सिंचाई के क्षेत्र में क्या एक भी खेत को जो उपज की स्थिति में है उसको सिंचाई से वंचित नहीं रहने देंगे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आह्वान करता हूं मैं अपने कार्यकर्ता मित्रों को, संकल्प लेकर के जाइए, जिस गांव के, जिस क्षेत्र के, जिस मंडल के, जिस जिले के पदाधिकारी हैं, बुंदेलखंड के सूखे जैसी तमाम प्रकार की समस्याओं का अगर कोई एक समाधान है और वहां के किसानों की पीड़ा दूर करने का अगर कोई एक रास्ता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मेरा नौजवान यहां पर बहुत बेरोजगारी, तमाम प्रकार के संकट का सामना कर रहा है, आप सबको मालूम होगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुद्रा बैंक योजना आप भूले नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज अखिलेश यादव जी की सरकार बार बार बिजली काट रही है, घबरा गई है, संभाल लिया जाएगा। जितनी देर से मैं नहीं जानता कितनी बार कट चुकी, जब से मैं आया हूं सर 3री बार कट हुआ। भारत सरकार बिजली देना चाहती है, बिजली का पैसा भारत सरकार इनको भेज रही है, लेकिन अभी सरकार से मैं बहुत सारे प्रश्न आके आकर के करने वाला हूं। भारत सरकार जिस काम के लिए, जिस गांव की गरीबी के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, जिस योजना के लिए पैसा दे रही है, या सरकार इतना अपराधीकरण में व्यस्त है, गुंडागर्दी में व्यस्त है कि वो योजना भी लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं कर रही। ऐसी तमाम सारी चुनौतियां हैं, इसलिए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मेरे सभी, मेरे बुजुर्ग जो है, मेरे मुझसे उम्र में बहुत बड़ी संख्या में यहां बड़े लोग, मैं उनसे भी सबसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैं अपने नौजवान भाइयों से यह आह्वान करता हूं, मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत जोश में है और यह कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि 2014 में कमल खिलाने में इस उत्तर प्रदेश के युवा ये बिजली काटे चाहे जितना काटे, लेकिन भारत सरकार का एक फैसला है, आपको मैं बताना चाहता हूं, हम हर गांव को नहीं हर घर तक बिजली पहुंचाना चाहते हैं। हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटा नहीं, हम 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहते हैं।
भारत के अंदर आज अनेक राज्य भाजपा शासित, आप उन राज्यों के बारे में सब अवगत हैं, आप पता करिए वहां 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन इनको बिजली यहां पे किस प्रकार से किसानों की समय समस्या है वो आप सब जान रहे हैं। यहां बिजली की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की समस्या है, मेरा जो व्यापारी बंधु है उसके सामने सुरक्षा की समस्या है। ये राजधानी है, अनेक घटनाएं आए दिन घटती रहती है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से, जैसे हम लोगों ने 2014 में एक बात कहकर के एक नारे को लेकर के गए थे कि 2014 में जाइए सबको भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का भूल। मैं आज भी यही आप सबसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि 2017 तक के लिए जाइए सब कुछ भूल, हर विधानसभा में जाकर खिला दीजिए कमल का। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बारंबार फिर से नमन करता हूं, मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के चरणों में भी प्रणाम करता हूं और अनुभव के भंडार, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, निश्चित तौर से मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद स्नेह किया दिया है, इस आशीर्वाद स्नेह के बूते पर हम 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। और मेरे कार्यकर्ता मित्रों, बता दिए ही संकल्प लेकर के जाइए, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, इस संकल्प को लेकर के जाइए, हर विधानसभा में कमल खिलाइए,